आरा शहर के पुरानी पुलिस लाइन स्थित गीता टावर में शनिवार को फूड इंडिया कोलकाता बिरयानी रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। रेस्टोरेंट का उद्घाटन पद्मश्री सुधा वर्गीज, होटल मौर्य के जीएम बीडी सिंह और रेस्टोरेंट के एमडी मधुप कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सुधा वर्गीज ने कहा कि आरा जैसे शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये रेस्टोरेंट खुलना आरा के लोगों के लिए तोहफा है। रेस्टोरेंट के एमडी मधुप कुमार ने बताया कि बिहार के आरा में पहली बार थिएटर रेस्टोरेंट और बारबेक्यू के साथ कोलकाता बिरयानी एंड फूड इंडिया रेस्टोरेंट का शुभारंभ उद्घाटन किया गया। आरा के लोगों को अब इन सब चीज़ों के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने शहर आरा की पुरानी पुलिस लाइन पेट्रोल पंप के पास इसका आनंद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आरा में एक छत के नीचे लोग मॉकटेल समेत अन्य सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पार्टीज, शादी, बर्थडे और गेट टुगेदर के साथ बिजनेस मीटिंग्स भी प्लान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट महंगा नहीं बल्कि लोगों के बजट का है, जहां लोग कम पैसे में अपने परिवार और दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही पार्टी, लंच, डिनर सहित साउथ इंडियन, वेज, नॉन वेज, चाइनीज़ और सब कॉन्टिनेंटल सहित देसी खानों का आनंद भी ले सकते हैं। इस मौके पर समाजसेवी सह मेयर प्रतिनिधि आलोक रंजन, मुन्नू सिंह, वीरेंद्र मिश्रा, प्रमोद कुमार, प्रभात कुमार, शांति कुमारी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज दिनांक 9/9/2023 को पद्मश्री सिस्टर सुधा वर्गीस के द्वारा कोलकाता रेस्टोरेंट फूड इंडिया के नए स्थान का शुभ उद्घाटन किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी आरा नगरवासी और आसपास क्षेत्र के जो भी हमारे बंधु मित्र हैं, उनको उचित मूल्य पर और स्वादिष्ट व्यंजन हमारे रेस्टोरेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। आपको पूर्व से पता है कि लगातार 4 वर्षों से हमारा रेस्टोरेंट कोलकाता बिरयानी फूड इंडिया अपने क्षेत्र में लगभग 2 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा दे चुका है, जिसमें हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सभी तरह के व्यंजन अपने प्रिय ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और इसी के अंतर्गत गीता टावर पुलिस लाइन स्थित कोलकाता बिरयानी फूड इंडिया का हम लोग फिर से एक उद्घाटन कर रहे हैं। एक संस्थान का यहाँ पर भी हम लोग अपना ब्रांच डाले हैं, ताकि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जिनको हम लोग एक अच्छी व्यवस्था दे सकें। साथ ही इसके साथ ही हमारे पास शादी विवाह एवं सभी तरह के शुभ अवसर जैसे बर्थडे, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, कंपनी मीटिंग, सभी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए सुसज्जित हॉल उपलब्ध है। इस तरह हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में और अधिक से अधिक अच्छी व्यवस्था देकर हम अपने प्रिय नगरवासियों का ये कर सके। थिएटर कॉन्सेप्ट डाला है, हाँ जी जी जी, अभी अभी यहाँ पर आरा में बिहार में पहली बार जो सुविधाएं दिल्ली और मुंबई में मिलती थी, अभी हमने सोचा कि आरा में कुछ नया चीज़ दिया जाए, ताकि यहाँ के जो भी ग्राहक हैं उन्हें दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़े और यहाँ पर हम उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था कर सकें, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर थिएटर रेस्टोरेंट जो बिहार के आरा में पहली बार शुरू हुआ है और साथ में बारबेक्यू, जिसका आनंद लेने के लोग को पटना जाना पड़ता था, तो बारबेक्यू स्टार्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं, जो कि एक आरा शहर में एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं अनुरोध करूंगा आरा नगरवासियों से कि एक बार इस सुविधा का वह लाभ उठाएं और आनंदित हों। बारबेक्यू आपने बताया कि पहले कब तक है जी, रेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कितना खर्च करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमने अपने नगरवासियों के लिए एक उचित मूल्य रखा है, जिसमें 399 रुपये में वेज स्टार्टर जो 2 व्यक्तियों के लिए होगा और 499 रुपये में नॉन वेज स्टार्टर जो 2 व्यक्तियों के लिए होगा, जिसमें उनको नॉन वेज के साथ में स्टार्टर के साथ में हमारे साथ एक आपको गिफ्ट के रूप में आपको कॉकटेल मॉकटेल मोजिला ये आपको इंक्लूड करके दिया जा रहा है। पहली बार जी कॉकटेल ये मोजिला
किया है हमने, ठीक है ना। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के माध्यम से जितने भी मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु के माध्यम से एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले मैं एक बार मैं दिल्ली अभी गया हुआ था, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट देखा जहाँ पर थिएटर रेस्टोरेंट के साथ में बारबेक्यू का लोग आनंद ले रहे थे। मैंने भी उस चीज़ का आनंद लिया और मुझे लगा कि नहीं, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट है जो अपने नगरवासियों के लिए हम लाए, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बहुत अधिक रिस्पांस मिल रहा है। लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे कि आप ये कहाँ से ये चीज़ सोचा, तो मैंने बताया कि नहीं, ये चीज़ एक नया चीज़ है। और जो हमने म्यूजिक सिस्टम होम थिएटर लगाया है वो बिहार का पहला है, सोनी का डॉल्बी ऑटम साउंड लगाया मैंने, ठीक है, जो बिहार में अभी तक कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं लगा। सोनी का आपका जो है ये है प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है जिसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और आपका ये जो म्यूजिक सिस्टम है सराउंड ये एक डॉल्बी साउंड है जो बिहार के अभी आरा में पहली बार ये लग रहा है। मैं फंक्शन के लिए आई हूँ और मैं हर तरह का शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बढ़िया से चलाइए, और आरा वासियों को अगल बगल के लोगों को लगना है कि ये हमारा जगह है, हम इसका आनंद ले सकते हैं। बस मेरा बहुत ही ज्यादा, हम लोग जानते हैं कि आप केरला से बिलोंग करती हैं, बट आपने 60 इयर्स बिहार में गुजार दिया है, 60 साल में क्या कुछ चेंजेस दिखा है? इस टाइप के होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं आरा में, आरा जो कि टियर 4 सिटी है, इस टाइप का डेवलपमेंट आपने देखा है? मैं मुख्य रूप से मुसहर जाति के साथ काम करती हूँ, ठीक है, तो होटल खोलने से उनका क्या होता है? बहुतों को घर नहीं है, एक शौचालय नहीं है, जमीन नहीं है, तो हम क्या डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। तो मैं भी उन लोगों का पक्ष में हूँ, जब उनको भी कुछ मौलिक अधिकार को देखने के लिए मिलेगा और अनुभव करने के लिए मिलेगा, तब सही डेवलपमेंट आता है।